हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं एक पॉलीबैग ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। मैंने कई घरों में देखा है कि हाउसवाइफ को काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक डिस्पेंसर बनाने वाली हूँ। तो मैंने देखा है कि लेडीज़ या तो उसको किसी पॉलीबैग के अंदर ढेर सारी पॉलीथीन को रख देती हैं, या फिर किसी डब्बे में बहुत सारी पॉलीथीन रख देती है, जो कि अच्छी भी नहीं लगती और अनऑर्गेनाइज लगती है। ये जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। अगर आप मार्केट से ये इस तरीके के डिस्पेंसर या ऑर्गेनाइजर आप परचेज करते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, 5 या 10 मिनट में ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल कॉस्ट फ्री है, वेस्ट मटेरियल से ये ऑर्गेनाइजर बनता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले एक पेप्सी की बॉटल, ये आप 1.5 या 2 लीटर की आप ले सकते हैं। एक रस्सी बांधने के लिए नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो नीचे का पार्ट होता है, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया और बॉटल के आगे के हिस्से को भी हम थोड़ा सा यहाँ से नाइफ या फिर सीजर से हम इसको कट कर लेंगे। इसके रैपर को भी हम इस हटा देंगे। अगर इसकी एजेस आपको अनइवन लगती हैं, तो आप एक कैंडल जलाकर इसको थोड़ा सा इवन कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर हम टेप भी लगा सकते हैं। बॉटल के दोनों साइड नाइफ या फिर सीजर से हम होल कर लेंगे। और एक रस्सी लेकर दोनों साइड से हम इस बॉटल को बांध देंगे। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर सेलो टेप लगाया है, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर कोई पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर कोई कैटी या फिर किसी मिक्की माउस का, आप कोई अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसके ऊपर कोई पिक्चर भी बना सकते हैं। अब पॉलीबैग डिस्पेंसर बनके तैयार है। देखिए कितना प्यारा सुंदर लग रहा है ये। अब हम इस पॉलीथीन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से पॉलीथीन्स को फोल्ड करना है, फिर सेकंड पॉलीथीन लेनी है और इसको भी इसके अंदर इसको रैप कर देना है। मैंने यहाँ पर 45 के आसपास ये पॉलीबैग्स लिए हैं, अदरवाइज इसमें 200 या 300 के लगभग जो पॉलीबैग्स होते हैं वो भी इस डिस्पेंसर में आ जाते हैं। तो वेजिटेबल लेते हैं तब भी पॉलीथीन्स आती हैं, और अगर ग्रोसरी का सामान आता है तब भी पॉलीथीन्स आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें पॉलीथीन्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी चीज़ में हमें पॉलीथीन्स की डेली हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम उनको डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज जो है कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको नीचे से निकालिए, और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं रख सकते हैं तो इनको आप भर भी सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।